गुजरात से और कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी। उसके साथ ही इस बार का मुख्य अट्रैक्शन असीम अगर बताएं तो जो ट्राइबल बच्चे हैं उनका एक म्यूजिकल बैंड है जो अंबाजी से आया है, और इस बैंड की ये खासियत है कि इस बैंड के जो मेंबर्स हैं वो एक समय में अंबाजी मंदिर जो एक बहुत अहम शक्तिपीठ है यहाँ गुजरात में स्थित बनासकांठा जिले में, वहां पर ये बच्चे भीख मांगा करते थे एक समय पर, और आज इनका एक म्यूजिकल बैंड है तो वो उसका भी यहाँ पर एक स्पेशल परफॉर्मेंस होगा जो एक स्पेशल अट्रैक्शन है आज के इस परेड का। और उसके साथ ही एक स्पेशल शो होने वाला है जिसमें हम एक हम श्रेष्ठ हैं इस थीम पर एक स्पेशल शो होगा, कल्चरल प्रोग्राम्स भी होंगे और कई कल्चरल परफॉर्मेंसेस होंगी अलग अलग स्टेट्स की। तो हर बार एक तरीके से देखा जाए तो जो यूनिटी परेड होती है वो देश की जो विविधता में एकता है उसका एक प्रदर्शन होता है, उसका एक शोकेस होता है, और वही इस बार भी होने वाला है। बिल्कुल, ये तो आपने बताया प्रोग्राम में, लेकिन देखना अगर आप तो ये पीएम मोदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, केवड़िया से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए। हालांकि मोरबी हादसे की वजह से पीएम मोदी के कार्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन जैसा कि आज उनके कार्यक्रम का ये एक हिस्सा था कि सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी ने पहुंचना था, तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको केवड़िया से दिखा रहे हैं, पीएम मोदी की ये तस्वीरें सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए। तो लौह पुरुष को नमन करते हुए पीएम मोदी की ये तस्वीरें देखिए, पुष्प अर्पित करते हुए पीएम मोदी की ये सीधी तस्वीरें हम आपको केवड़िया से दिखा रहे हैं। तो एकता दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे पीएम मोदी, और आज भी कई कार्यक्रम पीएम मोदी के थे। केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा करने का जैसा कि पीएम मोदी का आज कार्यक्रम था, और ये सीधी तस्वीरें केवड़िया से ही आप देख रहे हैं, ताजा तस्वीरें सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए। सौरभ वक्तानिया मेरे सहयोगी फोन पर जुड़ गए हमारे साथ। सौरभ, आज क्या कार्यक्रम पीएम मोदी का रहने वाला है? बताया जा रहा है कि मोरबी हादसे की वजह से कुछ बदलाव किए गए हैं। जी देखिए, आपको बता दें कि इस वक्त वो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहां पर पहुंच चुके हैं, और जो सरदार पटेल की जो पूरी स्टैच्यू है उस पर उन्होंने जल चढ़ाया है। उसके पहले ही तीन हेलीकॉप्टर्स आए थे, और तीन हेलीकॉप्टर्स के सहारे जो है पूरा जो फ्लोरल ट्रिब्यूट है वो दिया गया है। एक भव्य परेड का आयोजन यहाँ पर किया गया है। जो पूरा प्रोग्राम है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यहाँ पर 1 बजे तक का है, लेकिन अब इसमें कितना बदलाव आता है फिलहाल अभी तक गवर्नमेंट ने कोई इसकी जानकारी दी नहीं है। जो परेड है वो होने ही वाली है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जस्ट अब इस परेड ग्राउंड में मौजूद है। मैं आपको बता दूं जो अलग अलग रीजन्स है, अलग अलग जो कंटिजेंट है उनका पूरा का पूरा परेड यहाँ पे होने वाला है। बीएसएफ के लोग है, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाले हैं। तो ये इसके बाद जो आरंभ करके है 4.0 वहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाएगी, तो वहां पर वो स्पीच देते हैं कि नहीं ये देखना होगा। उसके बाद 2 और कार्यक्रम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के केवड़िया में है, और वो कल ही खत्म हो गए थे तो वो 2 कार्यक्रम नहीं होने वाले हैं। लेकिन इस वक्त फिलहाल राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केवड़िया पहुंचे हैं, और यहाँ पर एक भव्य परेड का जो आयोजन है वो किया गया है। और तो सरदार पटेल जयंती का मौका और प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पीएम मोदी की ये तस्वीरें केवड़िया से हम आपको दिखा रहे हैं।